कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आप, देखिए बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये रसगुल्ले। ये मैंने व्हाइट वाले बंगाली रसगुल्ले बनाए हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा केसर की पत्ती डालकर इसको थोड़ा सा केसर का कलर दिया है। ये देखिए मैं आपको एक फोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये कितना जूसी है, इसको मैं डाल दूँगी फिर से, ये फूल जाएगा इसी में। तो आइए देखते हैं इनकी रेसिपी। नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं दूध रखा है, तो हम दूध से ही लेसन कोई डिश बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट यम्मी और टेस्टी वाइट रसगुल्ले। तो वाइट रसगुल्ले बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आते हैं, और इस टाइम में अगर हम खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज बनाती हूँ वाइट रसगुल्ले की रेसिपी, आप सभी को बताती हूँ कैसे बनती है। तो आइए चलते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, तो यहाँ पर 1.5 लीटर मैंने दूध ले लिया है, और इसको हम गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं चाशनी के लिए चीनी। तो एक हम कुकर लेंगे, तो इस कुकर में हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फुल कटोरी मैंने चीनी ले ली है। और इसी चीनी से 1/5 हिस्सा, यानी कि चीनी और 1/5 भाग, मतलब 5 कटोरी हमने इसको चीनी से पानी डालना है। तो इसी कटोरी से नाप के हमने पानी डालना है। तो हमने इस कटोरी से नाप के पानी ले लेंगे 1 कटोरी, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर हमने 5 गुना पानी लेना है, यानी कि 1 कटोरी चीनी लेंगे तो हमने 5 कटोरी पानी लेना है। और इसकी हम गैस ऑन कर देंगे, और चाशनी इसकी हम बनने के लिए रख देंगे। इसको हम धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, तब तक हमारा दूध तैयार होता है। तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, हम फाड़ने के लिए पानी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी से कम थोड़ा पानी लिया है, और इसमें हम डालेंगे ये वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर नहीं है तो आपके पास आप नींबू ले सकते हैं, या छाछ होती है जो लस्सी, उसे भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो नींबू का साथ होता है जो टाटरी जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा पानी में डाल दें, इतना फिटकरी के करीब इतना सा डाल दें, 1 नमक का डला होता है ना जो इतना बड़ा चने के बराबर, वो डाल दें, और उससे आपका ये पनीर फट जाएगा। तो इसको पनीर भी नहीं बोलेंगे, एक तरह से छेना बोलेंगे। तो यहाँ पर वाइट विनेगर लिया है मैंने 1 ढक्कन, और इसको हमने पानी में मिलाना है, डायरेक्ट नहीं डालना। अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो आधे नींबू का जो रस है वो भी आपको पानी में डाल के ही लेना है। अगर आप दही या छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे भी, दही का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे अच्छे से फेंट लें और फिर उसको डालें, तब हमारा अच्छे से बनेगा। तो मैंने यहाँ पर गाय का दूध लिया है, ये क्योंकि जो हम वाइट वाले रसगुल्ले बनाएंगे, वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो गाय के दूध से ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसमें कम फैट होता है। वैसे हम भैंस के दूध से भी बना लेते हैं, फुल मिल्क वाले क्रीम वाले दूध से ही बना लेते हैं, लेकिन वो इतना अच्छे नहीं बनते जितना सॉफ्ट ये वाले रसगुल्ले हमारे तैयार होते हैं। तो इसको हम हिलाते हुए उबालेंगे जिससे इसमें ऊपर मलाई ना आए और ना दूध नीचे लगे। इस तरह से हम इसको हिलाते हुए गर्म कर लेंगे, बस 1 उबाल देना है। तो यहाँ पर हमारा 1 उबाल लग चुका है, और हम गैस को कर देंगे बंद, और इस दूध को ठंडा होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको नीचे उतार कर रख देंगे, तो दूध को हमने लगातार हिलाते हुए ठंडा करना है जिससे इसमें मलाई ना पड़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दूध जब हम ठंडा करते हैं उसको हिलाएंगे नहीं तो इसके ऊपर मलाई जम जाती है। तो हमें ये मलाई नहीं चाहिए, हमें इसको हिलाते हुए ठंडा करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दूध, मैंने 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको हिलाते हुए, और ये ठंडा हो चुका है। और इसमें से अब हम ये विनेगर वाला पानी है इसको हम लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे, और इसको हिलाते जाएंगे इस तरह से।
ऐसे डालते हुए हम इसको फाड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिरके को डाल के इसको रख दिया था थोड़ी देर हिलाकर। तो यहाँ देखिए फट चुका है दूध हमारा, और इसमें पानी पानी अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। तो हम इसे अब छान लेंगे। छानने के लिए आप कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास सूती कपड़ा नहीं है तो कोई दुपट्टा ले लें, सूती दुपट्टा ले लें, या कोई दुपट्टा ऐसा ले लें जिसमें से ये पानी निकल सके। तो मैंने यहाँ पर ये सूती दुपट्टा लिया है, तो इसे हम साइड में कर लेंगे। और एक बाउल लेंगे, और इस बाउल में मैंने छन्नी रख लिया ऊपर। इस तरह से आप कोई भी छन्नी ले लें। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप दुपट्टा रख के ऊपर ही इसको ऊपर भी डाल सकते हैं इसे। और इसे हम ऐसे डाल लेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर दुपट्टे को डबल करके इसमें से निकाल डाल लिया है, जिससे मेरा, क्योंकि ये सूती दुपट्टा था कॉटन का, तो इसको मैंने डबल कर लिया था पानी निकलने के लिए। और मैं इसको इस तरह से छानते हुए पानी इसका निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये पनीर एक तरफ कर लिया है, और इसका जो पानी है वो एक तरफ कर लिया है। ये पानी भी यहाँ फेंकना नहीं, ये बहुत ही उपयोगी पानी है। इससे आप आटा लगा सकते हैं, और जो इससे पानी से लगा हुआ आटे की रोटियाँ इतनी सॉफ्ट बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। या फिर आप कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें डाल लें, उसके लिए भी ये पानी बहुत ही अच्छा है। इसे हम अलग रख देते हैं आगे काम के लिए। और अगर आप दोबारा फिर से रसगुल्ले बनाना चाहते हो तो इसी पानी को एक बोतल में भर के फ्रिज में रख लें, और दो चार दिन बाद अगर रसगुल्ले बना रहे हैं तो इसी पानी को डाल लें, तो हमारा फिर से दूध इसी पानी से ही फट जाएगा। अब हम इसको पानी को दो तीन वॉश कर लेते हैं पानी डालकर। तो इसको हम पानी से फिर से धो लेंगे अच्छे से, जिससे ये जो हमने इसमें सिरका डाला उसका खट्टापन निकल जाए, इसमें खट्टापन ना रहे हमारे रसगुल्ले में। तो हम इसको दो तीन पानी से धो लेंगे। हाथ से धो लें अच्छे से। तो इसका पानी हमने दो तीन वॉश कर लिया है। हमने इसको हाथ से निचोड़ लेना है, पानी नहीं होना चाहिए हमारे इसमें। और इसको हम बांध के लटका देंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा इस तरह से। और ये हमने जो हमने चाशनी बनाने के लिए रखी थी और उसकी हम गैस बंद कर देंगे फिलहाल, और इसका पानी निकाल लेंगे अच्छे से इसको नितर जाने तक। जो हमारा पनीर में अगर पानी रहेगा तो रसगुल्ले नहीं बनेंगे, तो हमने इसका सारा पानी निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पनीर निकाल लिया है, और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अच्छे से। तो हमने इसको, ये जो पनीर है, इसको अच्छे से ऐसे दबाते हुए फेंटना है। ये जो हमारे हाथ का जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हथरेटी है। जो हथरेटी से इसको हमने दबाते हुए इस तरह से इसको मैश करना है, और इसको हमने तब तक मैश करना है जब तक बिल्कुल ये सॉफ्ट एकदम से क्रीमी टाइप में ना आ जाए, और ये अपने हाथ से इसकी पिन्नी ना बनने लग जाए। तब तक हम इसको इसको इस तरह से ही फेंटते रहेंगे। अगर आपका ये इस तरह से हो जाए तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि जैसे हम करते जाएंगे ये अपने आप ही हाथ में आता रहेगा। और जितना ही ये चिपक रहा है फिलहाल, तो फिर ये छूटने लग जाएगा अपने आप। जैसे जैसे हम इसको मसलते जाएंगे ये छूटने लग जाएगा अपने आप ही। इसको हम इस तरह से मसलते रहेंगे। तो आप देखिए इस तरह से मैंने ये मसलते हुए, मुझे यहाँ से 5 से 7 मिनट हुए हैं, और ये अच्छे से मसल चुका है, और ये एक लोई टाइप में बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अरारोट पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास अरारोट पाउडर है तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अरारोट पाउडर लिया है,
तो 1.5 लीटर दूध में हमने 1 चम्मच अरारोट पाउडर लिया है, तो ये हमने ऊपर तक भर के नहीं लेनी है, इस तरह से हमने लेना है इसे। देखिए ये 1 चम्मच हमने अरारोट पाउडर लिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये अरारोट पाउडर हम डालते हैं जिससे हमारा जो रसगुल्ले में अच्छे बाइंडिंग हो जाए और अच्छे से ये हमारा जब हम इसको बनाएं तो ये फटे ना दूध में पानी में डालने से, जब हम चाशनी में डालते हैं जब ये फटे ना, तो इसको इसके बाद डालने के बाद फिर से हम इसको एक बार 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसको ऐसे रगड़ेंगे हाथ से। तो यहाँ पर हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा डो तैयार हुआ है हमारा। इसको हमें इसी तरह का डो चाहिए और इसमें से हम अब 2 पीस कर लेंगे और 1 पीस को हम अच्छे से रोल बना लेंगे। रोल बनाते हुए फिर इसको इस तरह से, और हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं क्योंकि हम ये रसगुल्ले चाशनी में डालने के बाद फूलते हैं, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा इस साइज का, आप देख रहे हैं ना, इस साइज का हमने ये लेने हैं रसगुल्ले। तो हमने यहाँ सारे तोड़ लिए हैं ये, और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं और इनको हम हल्के हाथ से ये देखिए बिल्कुल दरार नहीं पड़नी चाहिए, अगर इसमें दरार थोड़ी भी रह गई ना तो फिर हमारे रसगुल्ले नहीं बनेंगे, तो हमें दरार नहीं डालनी है। बिल्कुल इस तरह से हमें रसगुल्ले तैयार करना है और हम सारे रसगुल्ले इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो इधर मैंने आपको डो दिखाना तो भूल ही गई कि हमें किस तरह का डो चाहिए, ये देखिए हमें इस तरह का चिकना डो चाहिए रसगुल्लों के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे जो बॉल्स हैं बनके तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए ये लास्ट वाली बच गई थी तो ये भी मैं बना लेती हूँ। हल्के हाथ से बनाने से अच्छे बनते हैं। ये सारे बॉल तैयार हैं और हमारी चाशनी भी उबलने लगी है, तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी भी अच्छे से उबल चुकी है और इसमें हम डाल देते हैं सारे रसगुल्ले एक एक करके। आराम से डालें, छीटना पड़े जिससे आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये रसगुल्ले भी ऊपर आने लगे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए रसगुल्ले हमारे ऊपर आने लगे हैं। और ये हमें इसी तरह से हमने लो टू मीडियम से, मतलब मीडियम टू हाई पर पकाने हैं और इसका जो साइज है ये दुगना हो जाएगा। और इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर या साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। यहाँ पर मैंने 2-3 पिंच के करीब इलायची पाउडर डाल दिया है जिससे इसमें अच्छे से खुशबू आए। तो आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे मोटे जो हमारे रसगुल्ले हैं ये बन के तैयार हो रहे हैं। तो अब हम इसमें इस स्टेम पर हम इसे थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे, चमचा नहीं लगाएंगे। अगर हमने इस चमचे से इसको इसे हिलाया तो हमारे ये रसगुल्ले फूट सकते हैं, तो हम सिर्फ कुकर को इस तरह से हिलाएंगे और हमने इसकी सीटी लगानी है। तो मैंने यहाँ पर इसकी सीटी निकाल दी है कुकर की और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी, 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट लगभग हो चुके हैं और इसमें हम डाल देते हैं केसर, 5-7 पत्तियाँ केसर की डाल देंगे जिससे जो हमारे रसगुल्लों की चाशनी है ना ये थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए इसमें। अब हम चमचे से इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप, मैं आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए हमारा जो ये रसगुल्ले हैं
ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और थोड़ी सा और हमें इसको उबालना है, थोड़ा ये चाशनी भी हमारी टाइट हो जाएगी, थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छे रसगुल्ले हमारे तैयार हुए हैं। इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, फुल फ्लेम पे पकाएंगे इस टाइम हम इसे। और लास्ट में मैं इसमें सीटी लगा देती हूँ, ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगने तक इसको मैं पकाऊंगी। एक सीटी लग चुकी है और मैं अब गैस को कर दूंगी बंद और कुकर ठंडा होने दूंगी। देखते हैं हम इसे खोलकर कि हमारे रसगुल्ले हुए या नहीं। ये देखिए केसर से इसका रंग भी अच्छा आ चुका है। तो अब हम इसे डाल लेते हैं एक कटोरी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं। ये बंगाली रसगुल्ले जो केसर वाले हैं, मैंने केसर डाल के बनाए हैं। लोग बाग वाइट भी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी केसर डाल दी जिससे इसका कलर थोड़ा सा येलो हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक रसगुल्ला, देखिए कितना अच्छा ये स्पंजी बना है, एकदम से ये पिचक चुका है। और अब इसमें हम अब इसको हम डालेंगे तो ये फिर से स्पंजी बन जाएगा। ये देखिए फिर इसने रस पी लिया, ये फिर से फ्लफी हो गया है। और मैं फिर से इसका रस निकाल के दिखाती हूँ। इतने अच्छे ये रसगुल्ले हमारे बंगाली रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं, सॉफ्ट। और ये घर के बने हुए हैं और गाय के दूध से हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।